हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंडी रिएक्शन। आज फिर एक और वीडियो आप लोगों के साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान, मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है इसरो आदित्य L1 सोलर मिशन। इसके बारे में मैंने सुना, लेकिन सन पे उतर तो सकता नहीं, तो कुछ सन से रिलेटेड कुछ चीज होगी, कोई डिस्कवरी होगी, कुछ इंफॉर्मेशन लेनी होगी, सोलर सन की सरफेस की स्टडी या उसकी लेके बहुत कुछ है। सन से रिलेटेड बहुत सारी डिस्कवरीज हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो मतलब इन मिशन की वजह से। लेट्स सी इस मिशन की खास बात क्या और ये किसके लिए आर वी क्लोज टू रीचिंग द सन। ज्यादा क्लोज नहीं जाना, मतलब पर्सनली की बात कर रहे हैं, देखते हैं। लेट्स सी, इसरो के पहले भी बड़े बेहतरीन किस्म के मिशन आते रहते हैं और आई थिंक ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेट्स सी। हे गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम जानेंगे आदित्य L1 मिशन के बारे में। इस मिशन में इंडिया एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा सन, सूर्य को ऑब्जर्व करने के लिए और उसकी मिस्ट्रीज को समझने के लिए। पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में हम क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। हम ये जानेंगे कि आदित्य L1 मिशन किस बारे में है, उसके बाद ये भी जानेंगे कि इस मिशन से इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, इंडिया के लिए ये कैसे यूज़फुल होगा, ना सिर्फ इंडिया के लिए पूरे विश्व के लिए ये मिशन कैसे यूज़फुल होगा, क्योंकि हम सब ये जानना चाहते हैं कि यूनिवर्स बेसिकली बना कैसे था। और उस क्वेस्ट में एक बहुत ही बड़ा स्टेप ये है कि हम ये समझे कि सूर्य कैसे बना था, सूर्य की जो मिस्ट्रीज हैं वो समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ओवरऑल साइंस की दुनिया को ये इंडिया का एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। और फाइनली ये दो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे कि इस मिशन में चैलेंजेस क्या आ सकते हैं इंडिया के लिए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आज भी सूर्य के बारे में वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते, सूर्य के बारे में वो कौन सी मिस्ट्रीज हैं जो अभी भी सुलझाना बाकी है। आदित्य L1 सैटेलाइट फॉर सोलर स्टडी, तो सूर्य की स्टडी के लिए ये सैटेलाइट बनाई गई है। और ये L1 क्या है, इसका क्या मतलब होता है? देखो, आइडिया इसरो का ये है कि सूर्य और अर्थ के बीच में एक सर्टन पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम लैग्रेंज पॉइंट्स कहते हैं। इन पॉइंट्स में अगर हम एक सैटेलाइट को प्लेस कर देते हैं तो ग्रेविटी का ज़्यादा उस पर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा कि उसको एक्स्ट्रा फ्यूल चाहिए सन को ऑर्बिट करने के लिए। तो कम फ्यूल में भी वो आराम से बिना ग्रेविटी के प्रभाव में आए वो आराम से सन को ऑब्जर्व कर सकती है, और सन की जो भी मैग्नेटिक फील्ड उसको ऑब्जर्व करनी है और चीज़ उसको स्टडी करनी है जिसके बारे में भी हम बात करेंगे, वो काम वो कर सकती है। अब मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये सैटेलाइट हम PSLV से लॉन्च करेंगे या फिर GSLV से? वेल, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे हम लॉन्च करेंगे इसको PSLV से, क्योंकि जो पेलोड होगा इसका वो 1800 किलो और 2000 किलो से कम होगा। तो जब इससे कम है पेलोड तो हम PSLV XL का इस्तेमाल करेंगे इसमें, और इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा बिटवीन 2019 टू 2020। एज ऑफ 2017 इस सैटेलाइट का पेलोड बताया जा रहा है 1500 किलो। हालांकि 2019 या 2020 आते आते ये पेलोड कुछ हद तक बढ़ भी सकता है, हो सकता है कुछ एडिशनल फीचर इस सैटेलाइट में ऐड किए जाएं। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग यहां पे स्क्रीन पे ध्यान दें, ये आपके सामने सोलर सिस्टम है, एज यू कैन प्रीटी मच सी। ये है आपके सामने सन एंड उसके आसपास वीनस, ये मरकरी है, फिर वीनस है, फिर यहाँ पे अर्थ भी है, एज यू कैन सी ये है अर्थ, यहाँ पे ये स्पिन कर रहा है और ये सब ऑर्बिट कर रहे हैं हमारे सन को, राइट। नाउ आइडिया यहाँ पर ये है कि सैटेलाइट को आदित्य L1 को अर्थ और सन के बीच में जो लैग्रेंज या फिर लग्रांज भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, लग्रांज या लैग्रेंज दोनों प्रोनाउंसिएशन एक्सेप्टेबल है, तो जो लग्रांज पॉइंट है वहाँ पे उसको प्लेस किया जाए ताकि ना सन की ग्रेविटी उसको बहुत जल्द अपने पास खींच ले, ना अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वो अर्थ की तरफ धकेली जाए। वो कई सालों तक इन दोनों के बीच में, अर्थ और सन के बीच में प्लेस्ड रहे और सन को वो ऑब्जर्व करती रहे कुछ हद तक ऐसे। नाउ इमेजिन दिस, ये मैं उम्मीद करता हूँ आप देख पा रहे होंगे, ये जो सर्कल, नया सर्कल आ गया है यहाँ पे, ये हमारी सैटेलाइट होगी और ये अर्थ और सन के बीच में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। और जैसे ही ये लग्रांज पॉइंट में आ जाती है तो यहाँ पर ये सैटेलाइट अब सन को ऑर्बिट करना स्टार्ट कर देगी और सन को ये ऑब्जर्व करेगी। यहाँ पे सन का मैग्नेटिक फील्ड और वो सब चीज़ें में अभी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें वो ऑब्जर्व करेगी सन के बारे में। तो आइडिया कुछ ऐसा है। अब एक दूसरा आपको एक इमेज से समझाता हूँ कि लैग्रेंज पॉइंट्स बेसिकली काम क्या करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लैग्रेंज पॉइंट है बिटवीन अर्थ एंड सन, ये एक काफ़ी सिंपल पिक्चर है मगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये है हमारा सन यहाँ पर और ये आप देख पा रहे हो, ये है अर्थ।
अब आसपास देखोगे आप L1, L2, L4 वाला लिखा हुआ है, ये है लैग्रेंज पॉइंट्स। अब लैग्रेंज पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे धरती की ग्रेविटी और सन की ग्रेविटी दोनों के बीच में एक बैलेंस आ जाता है। कोई भी जो दो बड़ी ऑब्जेक्ट्स हो, चाहे वो धरती या सूर्य हो या फिर यूरेनस और सन हो, उनके बीच में लैग्रेंज पॉइंट्स होंगे, क्योंकि दोनों की ग्रेविटी है, अर्थ की भी ग्रेविटी है, सन की भी ग्रेविटी है। सन की ग्रेविटी ऑफ कोर्स अर्थ से बहुत ज़्यादा है, मगर इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि सब कुछ जो अर्थ के आसपास है वो अपनी तरफ खींच ले। आज भी आपको पता है मून धरती के आसपास ऑर्बिट करता है ना, सन की ग्रेविटी इतनी पावरफुल तो नहीं है कि मून को भी अपने साथ ले ले, तो अर्थ की भी ठीक ठाक ग्रेविटी है। तो दोनों जो बड़ी ऑब्जेक्ट्स हैं अपने आप में, उनकी जो ग्रेविटी के बीच में एक जो परफेक्ट पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों की ग्रेविटी बैलेंस आउट हो जाती है और एक इतना एफर्ट नहीं लगता वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस करने में, उसको हम लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। लैग्रेंज पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया था आपको मून और अर्थ के बीच में भी मिलेंगे, मगर सिंस हम यहाँ पे सन को ऑब्जर्व करने की बात कर रहे हैं तो हम सन और अर्थ के बीच के लैग्रेंज पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं हमारे सामने। एक है L1, फिर है अर्थ के पीछे L2, इसका यूज़ और है अभी इस पर आते हैं, फिर है L3, L4 और L5। अब देखो L1 पे हम यहाँ पर आदित्य को प्लेस करेंगे, और सिंस हम L1 में प्लेस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सैटेलाइट में लगा दिया उन्होंने L1, आदित्य L1 मिशन। तो आदित्य सैटेलाइट एक बार यहाँ पर प्लेस हो जाती है तो उसको ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत नहीं है अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, ऑल्दो कुछ उसको बूस्टर चाहिए। आप इसको कुछ ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि इमेजिन करो एक पहाड़ की चोटी है, पहाड़ की चोटी पे आपने एक बास्केटबॉल रख दी, अब आपने बिल्कुल प्रॉपरली उसको बैलेंस कर दिया, बस वहाँ पे खड़ी है और देख के सब लोग हैरान है कि वाह बिल्कुल बैलेंस हो गई है, और अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करो तो आप उसको बैलेंस कर भी सकते हो, मगर ऑफ कोर्स हवा आ सकती है या और कोई चीज़ आ सकती है जिससे वो बास्केटबॉल गिर सकती है, तो उसको कुछ एक नीचे बूस्टर या कुछ एक टाइम टाइम पे बैलेंस आउट करने के लिए कुछ चाहिए। तो आदित्य L1 में वो उन्होंने फीचर डाले हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिना किसी बूस्टर की होगी। तो ओवरऑल लैग्रेंज 1 में आदित्य L1 काफ़ी सालों तक स्टेबल रहेगी और यहाँ से सन को वो ऑब्जर्व कर पाएगी। अब L4 में भी उसको पार्क कर सकते हैं, आगे जाके L5 में भी पार्क कर सकते हैं। एक्चुअली L4 और L5 ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं L1 से, बट इनिशियली उसको L1 पे ही हमको लॉन्च करना होगा, हम डायरेक्टली L4 L5 में नहीं जा सकते, वहाँ पे कैलकुलेशंस जो है वो थोड़ी दिक्कत आ जाती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाती है उनको लॉन्च करने की। तो सबसे पहले L1 में हमारी सैटेलाइट जाएगी, तो हो सकता है कि 3-4 साल बाद हम उसको L4 या L5 में भी शिफ्ट कर ले, जो ये दोनों भी 1.5 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी पे है। अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे L2 भी है यहाँ पे, ये अर्थ से भी पीछे है। अब L2 का यूज़ क्या है कि L2 में जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया जाएगा 2018 में। जेम्स वेब टेलीस्कोप आपको पता है हबल टेलीस्कोप को रिप्लेस करने वाला है, हबल टेलीस्कोप से कहा जा रहा है कि 100 गुना ज़्यादा ताकतवर है। अब देखो जेम्स वेब टेलीस्कोप का काम क्या है, दूर दराज के प्लैनेट्स को देखना, बाकी गैलेक्सीज़ को ऑब्जर्व करना, वहाँ पे देखना कि एटमॉस्फेयर कौन से प्लैनेट में लाइफ के लिए अनुकूल है, बेसिकली इसको एलियन लाइफ ढूंढने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। तो तभी इसको एक ऐसे पॉइंट पे रखा गया है जहाँ पे अर्थ और सन उसको एक ही लाइन पे दिखे और इसके व्यू में ये दोनों चीज़ें ना आए, क्योंकि अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए इसका कोई इतना रोल है नहीं, हमारे पास और सैटेलाइट्स हैं और सन के लिए भी और सैटेलाइट्स हैं हमारे पास, इसको पूरे यूनिवर्स को ऑब्जर्व करना है। तो क्या L2 में हमको आदित्य को प्लेस करना चाहिए? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ये सन से ज़्यादा दूर है और यहाँ पर उसको ऑब्जर्व करने में प्रॉब्लम भी आएगी, क्योंकि रास्ते में अर्थ आ जाएगा, एक तरीके से अर्थ एक्लिप्स कर देगा उसका व्यू। तो हर लैग्रेंज पॉइंट का अपना यहाँ पर बेनिफिट है। L1 पे अगर आप सन को ऑब्जर्व करना चाहते हो तो यहाँ पे अपनी आप सैटेलाइट पार्क करोगे, और अगर आप कोई टेलीस्कोप जो पूरे यूनिवर्स को ऑब्जर्व करेगा वो आप लॉन्च करना चाहते हो तो वो ऑब्वियसली आप L2 पे करोगे। अब देखो लैग्रेंज पॉइंट के बारे में कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये नोट डाउन कर लेना, इससे 2018 के फिल्म्स में मे बी इसे क्वेश्चन बन सकता है, देर आर सम चांसेस। देखो इसके बहुत सारे नाम हैं, नाम से कंफ्यूज मत होना, इसको लैग्रेंजियन पॉइंट भी कहते हैं, इसको लैग्रेंज पॉइंट भी कहते हैं, इसको लिबरेशन पॉइंट भी कह सकते हैं। ऑलराइट, ये बेसिकली एक मैथमेटिशियन थे 18th सेंचुरी के, उनका नाम था जोसेफ लुइस लैग्रेंज, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट निकाला था 3-बॉडी प्रॉब्लम का, और बेसिकली इन्हीं का आइडिया आपको इतना याद रखना है। और L1 जहाँ पे आदित्य L1 को प्लेस किया जाएगा, ये लैग्रेंजियन पॉइंट 1 है, ये 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूर है धरती से।
अब ऐसा नहीं है कि इस मिशन को इसरो अकेला हेड कर रहा है, यहाँ पे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, वो भी इसरो की हेल्प करेंगे। ये बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है ये मिशन, तो यहाँ पे इसरो तो काम करेगा ही, मगर साथ साथ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो बेंगलुरु में है वो भी सहायता करेंगे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो मुंबई में है वो भी अपना योगदान देंगे, उनके साइंटिस्ट भी अपना डेटा भेजेंगे, उसके बाद इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जो पुणे में है ये भी अपना योगदान देंगे। अच्छा देखो, जो L1 पॉइंट है जिसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कशन किया है, L1 पॉइंट में अपनी सैटेलाइट को प्लेस करने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि रास्ते में उसके कोई अब एक्लिप्स नहीं आएगा, ठीक है, कोई उसके एक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी। अब आप कह सकते हो कि सर बाकी जो प्लैनेट्स हैं मरकरी वीनस वो नहीं आ सकते, नहीं वो नहीं आएंगे क्योंकि उनका जो ऑर्बिटर थोड़ा सा ऊपर की साइड को है, तो वो ऐसे एंगल पर रखेंगे कि सिर्फ जो दो प्लैनेट हैं वो रास्ते में बिल्कुल भी ना आए, सिर्फ जो हमारी सैटेलाइट है और सन है वही एक दूसरे को देखेंगे और एक अनइंटरप्टेड व्यू मिलेगा हमारी सैटेलाइट को। ओवरऑल हमारी सैटेलाइट में 6 पेलोड्स होंगे और इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अब ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। देखो ये इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो डायनेमिक नेचर है हमारे सन के आउटर मोस्ट लेयर्स का जो है क्रोना और क्रोमोस्फेयर, इसको ऑब्जर्व करना, यहाँ पे एनालाइज करना, और उसके अलावा डेटा कलेक्ट करना कोरोनल मास इजेक्शंस के बारे में। उसके अलावा सोलर स्टॉर्म्स, देखो सोलर स्टॉर्म्स काफ़ी बार देखे जाते हैं, सन हमारा काफ़ी कभी कभी वोलाटाइल भी लगता है जो इसको होना नहीं चाहिए। ज़्यादातर साइंटिस्ट ये मानते हैं कि सन बहुत ही स्थिर है और ज़्यादा इसमें वोलाटिलिटी होनी नहीं चाहिए, मगर काफ़ी बार यहाँ पे सोलर स्टॉर्म्स आते हैं, तो स्टडी करेंगे कि बेसिकली सोलर स्टॉर्म्स आते क्या हैं, उसके पीछे उसका रीज़न क्या है और ये पूरे सोलर सिस्टम में जो उसका इम्पैक्ट होता है वो कितना डीप है, कितना डीप उसका इम्पैक्ट होता है, ये भी स्टडी किया जाएगा। उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वेदर प्रेडिक्शन में जो सन का रोल होता है, सन के सोलर स्टॉर्म्स का रोल होता है या जो सन की आउटर मोस्ट लेयर्स होती हैं वहाँ पे जो वोलेटिलिटी देखने को मिलती है उसका इम्पैक्ट अर्थ के वेदर में क्या होता है, हम उसको भी स्टडी करेंगे। अब देखो ऐसा नहीं है कि इससे पहले और किसी स्पेस एजेंसी ने कोशिश नहीं करी सन को स्टडी करने की, इससे पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा ने काफ़ी बार कोशिश करी है मगर उनके जो एंडेवर्स थे इतने सक्सेसफुल नहीं रहे। सबसे पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा की एक कोलैबोरेशन थी सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, जिसमें उन्होंने सोचा कि सन के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको स्टडी करेंगे, मगर जब ये लॉन्च करी जा रही थी तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने का जो इसका पार्ट था वो टूट गया था, तो ये ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे पाया। उसके बाद नासा ने एडवांस्ड कॉम्पोजिशन एक्सप्लोरर भी लॉन्च किया मगर इसमें भी इतने ज़्यादा बढ़िया इक्विपमेंट नहीं था कि सन की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको भी वो नोटिस उसको भी वो ऑब्जर्व कर पाए। अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि ये भी L1 में लोकेटेड है ऑब्वियसली, क्योंकि सन को आपको अगर ऑब्जर्व करना है तो यहीं पे आप अपना ऑब्जर्वर लॉन्च करोगे। तो आदित्य L1 पहला होगा जो सन का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो सन की कोरोना लेयर है, कोरोना बेसिकली आउटर लेयर होती है सन की, वहाँ पर जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है उसको स्टडी करेगा और ये इंडिया का एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी को। अब देखो एज ऑफ 2017 डिसीजन ये लिया गया है इसरो द्वारा और ये इसरो की वेबसाइट से ही है सारा डेटा कि 7 पेलोड भेजे जाएंगे आदित्य L1 के साथ। पहले मैंने 6 कहे थे, वहाँ पे मैंने मैग्नेटोमीटर को नहीं गिना था क्योंकि उसके बारे में मैंने आपको अलग से बताया था, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सन की और बाकी प्लैनेट्स की वो आपस में कैसे रिएक्ट करती हैं उसको एनालाइज करने के लिए ये मैग्नेटोमीटर हमारी सैटेलाइट में लगा होगा। उसके अलावा ये सब इक्विपमेंट्स भी होंगे, इसमें से ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो है विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, ये बेसिकली जो आउटर मोस्ट लेयर है सन की उसको ऑब्जर्व करने के लिए बनाया गया है। फिर है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट, ये बहुत ही बढ़िया इमेजेस देगा हमको सन की जो अभी तक किसी भी सैटेलाइट ने हमको नहीं प्रोवाइड करी, ये इंडिया का एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। उसके अलावा और भी इक्विपमेंट्स हैं जो ओवरऑल सन को एनालाइज करने में हमारी हेल्प करेंगे। अब देखो सन के बारे में ऐसा नहीं है कि हमको सब कुछ पता है, सन आज भी काफ़ी हद तक एक मिस्ट्री है साइंटिस्ट के सामने। सन के बारे में एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन जिसका कोई भी आंसर अब तक हमको नहीं मिल पाया वो ये है कि कोरोना जो होता है सन का जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, देखो यहाँ पे आप देखोगे ये सन का काफ़ी अच्छा डायग्राम है, यहाँ से आप देख सकते हो कि जो सन की आउटर मोस्ट लेयर होती है ये है कोरोना। जब एक्लिप्स होता है, जब सूर्य के सामने चांद आ जाता है और धरती पे हम लोग देख रहे होते हैं, तो आप देखोगे चांद जब सूर्य के सामने आता है तो एक डार्क बन जाता है, मगर उस डार्क सर्कल के आसपास एक रेड रिंग होती है, तो वो कोरोना की रिंग होती है।
तो वो क्या है कि कई मिलियन डिग्रीज उसका टेम्परेचर होता है, इट इज़ वेरी हॉट, जबकि सन का जो इनर मोस्ट पार्ट है वहाँ पे टेम्परेचर कुछ 6,000-7,000 डिग्रीज के आसपास होता है। तो ये क्यों है कि सन अंदर से इतना गर्म नहीं है जितना बाहर से उसे कई गुना ज़्यादा गर्म है, ये अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। ये मिस्ट्री अभी भी साइंटिस्ट को काफ़ी हद तक बैफल करती है। तो आप देखोगे कोरोना के बाहर ये आती है फिर मैग्नेटिक फील्ड, ऑल राइट, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी बड़ी एक जो ऑब्जेक्ट है स्पेस में उसकी होगी, जुपिटर की भी मैग्नेटिक फील्ड है, और जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड नासा के साइंटिस्ट ने रिसेंटली एक ऑडियो रिलीज करी थी, हम अर्थ की सैटेलाइट से भी सुन सकते हैं और बहुत ही हॉन्टिंग सी वहाँ से आवाज़ आती है जुपिटर से, कमाल की आवाज़ है उनकी मैग्नेटिक फील्ड की। तो वैसे ही सन की मैग्नेटिक फील्ड भी है, उसको भी हम स्टडी करेंगे। उसके बाद देखोगे ट्विस्टेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, यहाँ पे ट्विस्टेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं। फिर यहाँ पे जो ये जो कभी कभी एक आग उठती है सन में उसको हम कहते हैं फ्लेयर, और फिर जो यहाँ पे काले एक धब्बे से होते हैं सन में उसको हम कहते हैं सन स्पॉट। अभी देखो आदित्य L1 के सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं। पहले तो देखो ये है टू बिल्ड अ फ्यू अल्ट्रा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स टू एक्यूरेटली मेजर मिनट डिटेल्स अबाउट सन। तो हमको अभी भी काफ़ी एक अल्ट्रा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स बनाने होंगे अगर हम सन की जो प्रिसाइज मूवमेंट्स हैं विद इन मिनट्स उसको भी हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं। अब दूसरा एक ये भी है कि सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम टेस्ट करेंगे, तो बेंगलुरु में पहले तो हमको एक टेस्ट फैसिलिटी बनानी होगी जहाँ पे आसपास कोई भी इलेक्ट्रिक मटेरियल ना हो, मतलब के आसपास कई किलोमीटर्स तक एक गाड़ी भी नहीं होनी चाहिए, और वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाएगा, उसे टेस्ट करेंगे क्या ये सैटेलाइट सच में मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकती है, उसको टेस्ट कर सकती है नहीं कर सकती। तो उसमें कोई भी कार नहीं होनी चाहिए आसपास, कोई भी इलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक चैलेंज है उनके सामने, आई थिंक इसको ओवरकम कर लेंगे, ये एक बार को सिर्फ प्रायोरिटीज़ की बात होती है। फिर एक है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, ये क्वेश्चन वेस्टर्न मीडिया इंडिया से काफ़ी बार पूछता है कि आपके अभी कंट्री में टॉयलेट्स प्रॉपर बने नहीं हैं, आपके कंट्री में पावर्टी है और यू नो इतनी गुर्बत है, तो उस सब के बीच में आप 200-300 करोड़ रुपए आप ऐसी सैटेलाइट्स पे क्यों खर्च रहे हो। इसका जवाब यही बनता है कि 200-300 करोड़ रुपए से देश का इतने बड़े लेवल पे आप भला नहीं कर सकते। ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट है जो इंडिया को साइंटिफिकली एडवांस बनाएगी, जिससे ओवरऑल इंडिया ग्रो करेगा, और मैं मानता हूँ कि 200-300 करोड़ रुपए हमारा देश आदित्य L1 के लिए बिल्कुल स्पेंड कर सकता है। मैं इस पर आपका व्यू भी जानना चाहूँगा। फिर फाइनली एक ये भी है कि हमको पहले एक प्रोटोटाइप भेजना पड़ेगा। प्रोटोटाइप बेसिकली एक टेस्ट मॉडल टाइप का होता है। अगर मान लो मुझे कोई कार बनानी है तो सबसे पहले उसका प्रोटोटाइप बनाऊंगा। प्रोटोटाइप एक टेस्ट करता है उसके डिज़ाइन को। तो ऐसे आदित्य L1 का एक प्रोटोटाइप बनाएंगे जो L5 में जिसको लॉन्च किया जाएगा, तो उसके लिए भी एक लॉन्चर वगैरह चाहिए होगा, तो वहाँ पर भी काफ़ी हेडेक्स होते हैं, आपको प्रिसिशन वगैरह बिल्कुल सही रखना होता है। तो काफ़ी चैलेंजेस है, बट होपफुली इसरो और बाकी इंस्टीट्यूट्स के साइंटिस्ट मिलके इन चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे और आदित्य L1 एक सक्सेस बनेगा और पूरी दुनिया रहेगी कि इंडिया अब मार्स के बाद सन में भी ऑब्जर्वेटरी, और पूरी दुनिया रहेगी कि इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन और स्पेस ऑब्जर्वेशन में कितना आगे बढ़ चुका है। तो ये है हमारी वीडियो का अंत। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन सकते हैं उन सब पॉइंट्स को हमने अच्छे से कवर किया है, और इस टॉपिक में अगर कोई और अपडेट्स होती हैं, कुछ नया होता है, तो डेफिनेटली उस पर एक अलग से वीडियो भी हम बनाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी, ओके, तो दिस वीडियो वाज क्वाइट टेक्निकल, इट वाज लाइक अ लेक्चर इन द क्लास, लेक्चर इन द क्लासरूम, लेकिन एक डिफरेंस है, नींद नहीं आई, छोटी वीडियो थी चाहिए वरना मुझे हर लेक्चर में नींद जरूर आती। नहीं, असल में हर एक पॉइंट को इतनी डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ था कि इंसान जिसका कोई बैकग्राउंड भी नहीं है इस तरह से, वो भी बड़े अच्छे तरीके से एक चीज़ को समझ सकता है। सो नो वंडर के क्यों ये चैनल इतना ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इतने डिटेल से, इतना बेसिक लेवल से लेके आप चीज़ को इतने करते हैं, बिल्कुल उस वजह से। बाकी सन के बारे में काफ़ी सारी मिस्ट्रीज हैं जो रिजॉल्व होने वाली हैं। मुझे आज पता चला कि टेम्परेचर सन के अंदर इतना कम है और बाहर इतना ज़्यादा है, मिस्ट्री है ऑब्वियसली। जितने भी जैसे वो उन्होंने कहा कि मार्स को स्टडी कर रहे थे वो पहले, तो ये सारा कुछ जो है जैसे जैसे इन चीज़ों में मजीद पढ़ते रहते हैं तो मजीद कोई ना कोई वंडर सामने आते रहते हैं हर चीज़ के अंदर से। हर एक चीज़ का एक अलहदा डिफरेंट किस्म का बिहेवियर होता है जिसको लेके बहुत कुछ लर्निंग ही होती हैं, और उसको किसी ना किसी तरीके से इंटरप्रेट करके अपनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट या ह्यूमन के बेनिफिट के लिए यूज़ किया जाता है। तो उस हिसाब से ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा स्टेप है। ये लास्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था ना, मतलब वो जो था 200 करोड़ खर्च करने चाहिए नहीं करने चाहिए,
उन्होंने अच्छी एक्सप्लेनेशन दी खुद भी। मेरा पॉइंट ऑफ यही है कि इससे कोई ज़्यादा मसला नहीं है अगर इस तरह के मिशन पे पैसा खर्च कर दिया जाए तो। ओवरऑल उससे नेशनल ग्रोथ ही हो रही होती है, कहीं ना कहीं वो काम आ रहा होता है। ऑब्वियसली बाकी एंड पे प्रोटोटाइप के वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब आप इस तरह का कोई भी मिशन ले रहे होते हैं ऐसे ही, या जैसे कोई नई चीज़ आप डिवेलप कर रहे हैं तो आपको पहले उससे स्मॉल स्केल पे बना के टेस्ट करके जब आप फुली सेटिस्फाइड होते हैं तब आप इतना बड़ा स्टेप लेते हैं मूव फॉरवर्ड करने के लिए। उसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगती हैं, और जैसे हम पहले कह चुके हैं कि इसरो दे आर डूइंग रियली ग्रेट जॉब, उनके मिशन और उनके साइंटिस्ट दे डिजर्व अ ह्यूज रोल। ये मिशन अच्छे से चल रहा होगा, इन प्रोग्रेस है ये, अब कुछ ना कुछ इसके रिजल्ट आना स्टार्ट हो गए। अभी 2019 भी हमारा एंड होने वाला है, तो आई थिंक इसकी कोई न्यू अपडेट भी आई होगी, क्योंकि ये वीडियो तो काफ़ी पुरानी थी। इसके बारे में अगर कोई न्यू अपडेट आई है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। अगर किसी को पता है कि कब ये लॉन्च हो रहा है और अब ये किस स्टेज पे है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी है, इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन खुदा हाफिज़।